राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। बीपी काउल वर्थ चैनल की तरफ से आप सभी अन्नदाताओं के चरणों में नमस्कार। जब आपकी गाय भैंस बच्चा देने के लिए होती है तो उसको अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और बच्चा देते समय उसकी काफ़ी ऊर्जा नष्ट हो जाती, ताकत नष्ट हो जाती है। तो बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले हम अपने पशुओं के दूध बढ़ाने के लिए और पशुओं की अच्छी हेल्थ बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, आज मैं वह वनस्पति लेकर आया हूँ जो बिल्कुल फ्री में आती है, उसका कोई खर्च नहीं है। आपको एक रुपए की भी मेडिसिन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं पहचान करवा देता हूँ कि इन पत्तों को आप अच्छी तरीका से पहचान लीजिए। जो है एक बेल होती है, इसका प्लांट एक बेल के रूप में इधर उधर फैलता है। कभी कभी जंगलों में भी हो जाता है, सड़कों के किनारे पर हो जाता है और कभी कभी घर में लोग इसका उत्पादन भी करते हैं। इसको कुंदरू के नाम से जानते हैं, कुंदरू। आप इसको अच्छी तरीका से पहचान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इस कुंदरू में क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे पशुओं के अंदर बढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पशु किसी बीमारी के कारण, किसी तनाव के कारण, मानसिक परेशानी के कारण दूध निकलवाने में दिक्कत करता है। सपोज कीजिए हमारी गाय या भैंस का बच्चा मर गया है तो वह दूध नहीं निकलवा रहा, या कभी कभी क्या होता है फर्स्ट लैक्टेशन होता है, पहली बार गाय भैंस बच्चा देती है उस समय भी काफ़ी हरकत करती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट से या मंडी से, पेट से, मेला से कोई नया पशु लेकर आते हैं, वह हमें अच्छी तरीका से नहीं पहचानता है और वह दूध निकलवाने में बहुत हरकत करता है, या कभी कभी मस्टाइटिस की समस्या हो जाती है, बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में गाय हमारी बहुत लाज चलाती है। यह कुंदरू का पौधा है, आपको करना क्या है? पहली बात तो 100 ग्राम इसके पत्ते आप दूध निकालने से एक घंटा पहले अपने पशु को खिला दीजिए। और किस प्रकार से खिलाएंगे? 100 ग्राम कुंदरू के पत्ते और 100 ग्राम गुड़ मिला करके आप अपने पशु को केवल एक सप्ताह तक खिलाइए, सुबह शाम दूध निकालने से एक घंटा पहले। आपका पशु किसी भी प्रकार की परेशानी में हो वह लात नहीं चलाएगा, उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरी तरीका से दूध निकालेगा। और कभी कभी क्या होता है दूध पावस नहीं करती, दूध उतारती नहीं, तो पूरा दूध उतारेगी। आपको केवल 100 ग्राम इस कुंदरू के पत्तों का प्रयोग करना है, वो भी एक घंटा पहले। और कहीं पर क्या होता है कि एक ऐसी सीजन होती है जिस सीजन में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते नहीं रहते हैं, उस समय इसकी एक जड़ होती है गोल शकरकंदी जैसी, आप उस जड़ को ले आइएगा। 50 ग्राम जड़ अच्छी तरीका से कूट लीजिए, कूटने के बाद उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला करके एक लड्डू बना लीजिए जो आप दूध निकालने से एक घंटा पहले खिलाएंगे सुबह और शाम को, केवल एक सप्ताह तक। उसके बाद आपका पशु कभी भी लात नहीं चलाएगा, बहुत प्रेम से दूध निकलवाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी किसान भाई के एरिया में यह पौधा नहीं पाया जाता तो मेरे यहाँ उनके लिए सुविधा उपलब्ध है। मेरे किसान भाई यदि यह दवा मंगाना चाहते हैं तो मैंने इसका एक पाउडर तैयार किया है, जो पाउडर अपने किसान भाइयों की डिमांड पर हम उनके घरों तक पहुंचवाते हैं बाई पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में। यदि किसी भाई को इनकी आवश्यकता है इसके पाउडर की तो फिर वो हमें कॉल करके बता सकते हैं, हम उनके यहाँ पहुँचवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 97-60-71-35-40, इस नंबर पर आप हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिससे मैं आपके पशुओं की समस्या का समाधान करूं। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।